हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे मोलर प्रेगनेंसी के बारे में। मोलर प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल और अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है। हमारे प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन। मोलर प्रेगनेंसी में ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से जो बेबी है वो फॉर्म नहीं होता या डिफेक्टिव फॉर्मेशन होता है, और जो प्लेसेंटा है, जो हमारा ओवरनाल होता है, उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी है, और अगर ये कंटिन्यू रहे तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मदर की डेथ भी हो सकती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एम यही था कि हमें पता रहे कि ये भी एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी का टाइप है, और इसको हम बहुत आसानी से एक सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। मोलर प्रेगनेंसी एक फर्टिलाइजेशन डिफेक्ट है। नॉर्मली एक स्पर्म और एक एग की मीटिंग से बेबी बनता है। अगर इस फर्टिलाइजेशन में कैसा भी डिफेक्ट आ जाए कि या तो दो स्पर्म एक एग को मीटिंग करें, या स्पर्म का डुप्लीकेशन हो जाए, या एग अनहेल्दी हो, तो इनमें से किसी भी डिफेक्ट की वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो डिफेक्टिव हो तो मोलर प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। मोलर प्रेगनेंसी के अंदर जो प्लेसेंटल टिश्यू है वो ओवर ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी पानी की सिस्ट की तरह जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाती हैं, जिसे हम नॉर्मली ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसमें जो पूरा प्लेसेंटल टिश्यू है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। मोलर दो टाइप के होते हैं, पार्शियल मोलर और कंप्लीट मोलर। पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी के अंदर हमें छोटा सा पार्ट बेबी का भी दिखता है, मतलब फीटस भी हमें दिखाई देता है, और बाकी कैविटी के अंदर हमें मोलर टिश्यू दिखाई देता है। बट ये जो बेबी है ये अनहेल्दी होता है, ये नॉन वायबल होता है। जो कंप्लीट मोलर है उसके अंदर हमें कोई फीटस या कोई बेबी नहीं दिखाई देता, और पूरा यूट्रस जो है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर से फिल्ड होता है, जो कि प्लेसेंटल टिश्यू होता है। तो ये दोनों ही, पार्शियल मोलर और कंप्लीट मोलर, दोनों ही प्रेगनेंसीज जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और ये सर्वाइव करने लायक नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स की। मोलर प्रेगनेंसी जो इनिशियल डेज होते हैं उसमें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होती है, बट जैसे जैसे हमारा सेकेंड और थर्ड वीक आता है तो पेशेंट को थोड़ा नौजिया और वॉमिटिंग एक्सेसिव होने लगता है। लोअर एब्डोमेन में उसको हैवीनेस लगने लगती है, और डार्क कलर या ऑल्टर्ड कलर का डिस्चार्ज होने लगता है। अगर इस टाइम पर डायग्नोस हो जाए सोनोग्राफी के पे 6 और 7 वीक पे, तो हम उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर देते हैं। अगर इस समय पर डायग्नोस नहीं होती और पेशेंट थर्ड मंथ के आसपास पहुंच जाता है, तो थर्ड मंथ के आसपास पेशेंट का जो यूट्रस का ग्रोथ है वो बहुत एक्सेसिव हो जाता है, और यूट्रस के ग्रोथ के साथ साथ में दोनों साइड की जो ओवरीज हैं उनके अंदर भी सिस्टिक फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को सडनली हाई बीपी स्टार्ट हो जाता है होना, और प्री एक्लैम्पसिया हो जाता है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही पेशेंट के जो थायराइड और हार्मोन लेवल है वो भी सडनली शूट करने लगता है, और पेशेंट को हाइपर थायरॉयडिज्म के फीचर्स आने लगते हैं। अगर हम 3 मंथ से भी और लेट होते हैं तो नेक्स्ट इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे इन्वेजिव मोल या कोरियोकार्सिनोमा, ये सब भी पेशेंट को डायग्नोस होने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोलर प्रेगनेंसी का कैसे डायग्नोसिस करना है। मोलर प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो होता है अबनॉर्मल प्लेसेंटा, जिसमें हमें प्लेसेंटा की जगह सिस्टिक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, जिसे हम ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अगर ये पार्शियल मोल है तो हमें इस सिस्टिक स्ट्रक्चर के साथ में एक जी सैक भी दिखेगा, और उसमें अनहेल्दी फीटस भी दिख सकता है। और अगर ये कंप्लीट मोलर है तो पूरा यूट्राइन कैविटी में हमें खाली सिस्टिक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। दूसरी चीज़ जो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं वो होता है कि ओवेरियन सिस्ट आपको बाइलेटरल डायग्नोस हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी के अंदर कोई हेल्दी बेबी या कोई एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता, और पूरा जो प्लेसेंटल टिश्यू है वो सिस्टिक स्ट्रक्चर बना लेता है। सेकेंड जो डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है वो बीटा एचसीजी होता है। मोलर प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल एक्सेसिवली हाई होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्सेसिव नॉजिया वॉमिटिंग भी होती हैं। थर्ड चीज़ होता है, हम थायराइड टेस्ट कराते हैं, जिसमें मोस्टली पेशेंट्स को हाइपर थायरॉयडिज्म की तरफ जाते हैं, और नॉर्मली इसके साथ में क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मोलर प्रेगनेंसी एक अनहेल्दी और डेंजरस प्रेगनेंसी होती है, जिसको हमें जल्दी से जल्दी क्लियर करना होता है।
मोलर प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला डीएनई और दूसरा बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग। डीएनई मतलब डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ये एक ओटी प्रोसीजर होता है जो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, और इसमें हम जो भी बच्चा कंसीव हुआ है उसके सारे पार्ट्स को बच्चेदानी से निकालते हैं और उनको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। बायोप्सी करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम ये जान सकें कि जो मोलर प्रेगनेंसी है वो कम्प्लीट मोलर है या पार्शियल मोलर है, क्योंकि कम्प्लीट मोलर प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस का रेट हाई होता है। सेकेंड पार्ट आता है बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग। जब भी हम डीएनई कर लेते हैं तो उस प्रोसीजर के बाद हम हमेशा पेशेंट का बीटा एचसीजी सीरियली वीकली चेक करते हैं। बीटा एचसीजी एक हार्मोन होता है जो हमारे प्लेसेंटा से रिलीज होता है, और जैसा कि हमें पता है कि मोलर प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, तो मोलर प्रेगनेंसी के अंदर हमें बीटा एचसीजी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, और इसी वैल्यू को हम वीकली चेक करते हैं ये मॉनिटर करने के लिए कि पेशेंट का ये बीटा एचसीजी वैल्यू कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है या नहीं। और नॉर्मली हमें जब तक ये नेगेटिव नहीं आ जाती वैल्यू तब तक इसको चेक करते हैं। नॉर्मल मोलर प्रेगनेंसीज के अंदर हमें लगभग 8 से 12 हफ्ते तक, मतलब 3 मंथ तक लगभग हमें बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर कॉम्प्लिकेटेड मोलर प्रेगनेंसी है या हमें बहुत लेट डायग्नोस हुई है तो कभी कभी 6 महीने से साल भर तक भी बीटा एचसीजी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इस ड्यूरेशन में हम हमेशा पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी इस ड्यूरेशन में कंसीव नहीं करनी है, और इसके लिए आप जो पिल्स मार्केट में अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ नॉर्मल ट्रीटमेंट। कभी कभी बहुत लेट डायग्नोसिस की वजह से हमें मोलर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन्वेजिव मोल या कोरियोकार्सिनोमा। इन्वेजिव मोल जो है उसका मतलब है कि वो बच्चेदानी में अंदर तक पर्दों के अंदर घुस चुका है, और कोरियोकार्सिनोमा का मतलब है कि जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें कैंसरस चेंजेस आ चुके हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो होता है कीमोथेरेपी, जिसमें हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं, और सेकंड ऑप्शंस होता है कि अगर कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, मतलब बच्चेदानी भी रिमूव करनी पड़ती है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मोलर प्रेगनेंसी कितनी खतरनाक प्रेगनेंसी है, और इसका टाइमली और कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।